हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलबिला अहमदाबादी। और आज हम जा रहे हैं गांधीनगर। गांधीनगर में जो वाइब्रेंट गुजरात जो समिट है 2024, उसके अंदर जा रहे हैं अभी। और वो महात्मा गांधी टेंपल है, वहीं पे ये पूरी समिट है। तो आज लास्ट दिन है और नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन है, तो अभी जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो डेलीगेट्स के लिए ही था, तो फिर परमिशन नहीं मिली थी। और साथ में है मितेश पुराना यार, आप भी आ जाओ देखने देखने। ये देखो अभी गांधीनगर में ही है अभी। चलो फिर सामने है महात्मा मंदिर, धीरे धीरे चलते हैं गाड़ी आगे। स्वाद देख के चलाना यार, पहले देख के चला था भाई। ड्राइव करते समय मोबाइल नहीं यूज करते हैं। हाँ भैया, चलो फिर एक काम करता हूँ, आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा ड्राइव पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ भाई। VIP पार्किंग में पार्किंग कर लिया है भाई, गाड़ी अपनी इसको खड़ी है क्योंकि आज कोई है ही नहीं। और सामने है समिट। क्या मितेश, आप लोग भी आ जाओ, मजा आएगा। अभी आज कुछ है नहीं, पब्लिक भी दिख नहीं रही है, मजा आएगा। लेट्स गो भाई, कोई दिख तो नहीं रहा, देखते हैं अभी अंदर क्या है, क्या सीन चल रहा है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो समिट कंप्लीट पूरी हो गई है, लेकिन साइट पे लिखा था आज के दिन चालू है। देखते हैं भाई, अंदर जाके देखते हैं क्या है सीन। ओके गाइस, चलो फिर अंदर जाके दिखाते हैं। एक्चुअली ये गेट तो है, गेट नंबर 3। चलो भाई, आखिरकार एंट्री हो गई है हमारी। अभी चलो भाई, एंट्री हो गई है भाई अंदर। ये हेलीपैड है, वहाँ पे जो एग्जीबिशन है उधर आए। ये देखो फूड कोर्ट, तपास करेंगे। वाह, अभी यहाँ पे चलते हैं। चलो मितेश, चलो आ जाओ। ओ मिशन मंगल, ये क्या है पता नहीं, AC है भाई, अच्छा है। समिट थी उससे ये थोड़ा दूर है, हेलीपैड के पास। ये आज के दिन ही है ये एग्जीबिशन, उसके बाद ये आज 13 तारीख है शनिवार, उसके बाद ये भी यहाँ से बंद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए भाई, अपनी जो नई सिस्टम बनाई है पिनाक लॉन्चर, एक साथ ये देखो कितने रॉकेट्स यहाँ छोड़ती है, अपने DRDO ने विकसित किए। ये सामने उसकी मेन तस्वीर दी है। और ये रही रॉकेट, पिनाक गाइडेड रॉकेट, पूरे गाइडेड रॉकेट है और ऐसे व्हीकल में लॉन्च होकर एक साथ निकलते हैं। अभी रशिया यूक्रेन युद्ध में देखे होंगे आप इस टाइप के रॉकेट। और ये अपना Mark II फिटेड टैंक। एंटी थर्मल लेजर बॉम्ब इसमें फिट है, ये रहा। लेजर गाइडेड मिसाइल ये इस टैंक में से निकलती है मिसाइल। और ये डिटेक्टर है कुछ, क्या टाइप के रीजन अमाउंट लेने का है, थोड़ा सा एकदम माइनर क्वांटिटी रखने का है। और ये चारों रीजन में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो कर डालने का है। अच्छा, ये डिटेक्शन किट है एक्सप्लोजिव। ओ माय गॉड, ये क्या रखा हुआ, ये भी बम रखे हुए भाई। देखो मॉड्यूलर चार्ज मिलिट्री गन्स।
ये मोटार पहली बार इतना नजदीक से देख रहा हूँ मोटार। और थर्मोबैरिक बॉम्ब, ये बहुत बड़ा बम होता है जो प्लेन से, ये देखो सामने फाइटर प्लेन से गिराया जाता है ये बम। इसके अंदर देखिए क्या है, एनिमेशन होता है इसके अंदर। थर्मोबैरिक बम बोलते हैं, एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है और ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। अभी DRDO, ओके ये सबमरीन, ये देखिए गाइस, ये अभी DRDO अपनी है जो मिसाइल्स और वो सब बनाती है एयरफोर्स की। ओ, देखो ये बॉम्ब 500 किलो का बॉम्ब कैसा होता है, ये 500 किलो का बॉम्ब है, 500 kg, ये भी 500 किलो का बॉम्ब है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 500 kg बॉम्ब के बारे में लिखा हुआ है। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पूरी टैंक को उड़ा देती है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखो आर्टिलरी, ये आर्टिलरी है और इसके गोले है, इतना बड़ा गोला होता है भाई और इससे फायर होता है। ये देखो इंडिपेंडेंट अपनी सबमरीन है, इसका मॉडल रखा हुआ है यहाँ पे, बीच में इंजन है उसका, ये इंजन का प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। और ये सब पार्ट्स, इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन ये यहाँ पे देखो दिखाए सबमरीन के ही पार्ट्स हैं जो छोटे से सैंपल में दिखाए गए हैं। ये वाटर प्योरीफायर सिस्टम है, ट्रांसमिशन, ओहो ये तो जबरदस्त है भाई यार, जोरदार है। इसका नाम क्या है भाई, विल्ड CBRN, ये देखो ये मिसाइल्स लॉन्चर है, ये हो गए रॉकेट, ये रॉकेट भरे भी है कुछ ना कुछ, ये सामने दिखा है इस टाइप के ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल से भी लॉन्च हो सकती है। और ये सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, ओके ये कहीं पे भी ये जाके इससे ब्रिज बना सकते हैं खोल के, मोबिलिटी। और विल आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, ओके okay.
इसके अंदर बहुत सारे सैनिक ले जा सकते हैं सेफली। यहाँ देखो पहली बार इतने नजदीक से मिसाइल और बम देखे भाई। बाकी मूवीज और टीवी में ही न्यूज में ही देखते हैं ये बम कैसे होते हैं, लेकिन आज पहली बार इतने नजदीक से देखे। ये सारे इंजन के मॉडल्स है, चलो भाई अभी आगे चलते। मॉडल्स बताए हुए थे इंजन के और ये सारे ब्रिजेस के बारे में बताया हुआ है, लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल ब्रिज। और ये समुद्र पे जो ब्रिज है सबसे लंबा वो है पंबन ब्रिज। ये क्या है देखेंगे, विदेश चीना ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो चीनाब नदी पे बनाया हुआ है। कटरा बनिहाल सेक्शन, पर्वतों की हार माला के अंदर ये रेलवे लाइन उन्होंने बिछाई हुई है पहाड़ों को काट के। ये टनल है, ये टनल बताई हुई है पहाड़ों के अंदर काट। तो यहाँ पे अंजी ब्रिज केबल, सबसे बड़ा केबल ब्रिज। भारतीय रेल अपनी रेलवे रेलवे के बारे में जानेंगे अभी। पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, तो सामने जी पी लिया ही।
देखो भाई सिंटेक्स जैसी ब्रांड भी यहाँ पे आई है भाई। ये क्या सिस्टम है देखना पड़ेगा भाई। ओके ये अभी डोर्स और विंडोज भी बनती है सिंटेक्स की। तो पूरा अच्छा ये वेल्सपन कंपनी का शुरू हो गया। ये वेल्सपन कंपनी का कुछ अलग है फ्लोरिंग का है। देखो बर्फ में आर्मी के वाले कैसे क्लोथ पहनते हैं वो यहाँ पे अरविंद मिल ने बनाए हुए हैं। अरविंद ह्यूमन प्रोटेक्शन यहाँ पे जैकेट्स भी अच्छे हैं। बहुत बड़ा एग्जीबिशन है भाई अभी तो घूम ही रहे हैं। चलो मितेश चलते आगे बहुत सारा देखना बाकी और दिखाना भी बाकी है आपको। बुलबुले जैसा है पूरा बुलबुले जैसा तो है चारों ओर स्टॉल ही स्टॉल है। भाई अमूल वाले ने भी यहाँ पे स्टोर रखा है। धीरे धीरे घूमते हैं सा पूरा एग्जीबिशन। समिट तो कल ख़त्म हो गई लेकिन ये एग्जीबिशन अभी भी चल रहा है। ये वो भी आज के दिन ही है और एसीली है इसलिए अच्छा है गर्मी नहीं लग रही। ओके ये जो है वाव ये कुछ अलग है। ये क्या है जो हाईवे बनाया जे देखिए हाईवेज बनाए हुए और ये गिर सोमनाथ और ये आर्ट देखिए क्या है ये नेल एंड थ्रेड ये देखो कील लगा के ड्राइंग के ऊपर कील लगा के फिर ये धागे से पेंटिंग करते हैं। जोरदार आर्ट है वो। ये सब सारी पेंटिंग ऐसे ही बनाई हुई है। जोरदार आर्ट है भाई। और ये भावनगर वाले भावनगर क्या है यहाँ पे जूस है। ओके आंवले का जूस। और ये सारे पाउडर्स भी है यहाँ पे।